बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। 13 फरवरी को किसान संगठनों के दिली कूच के आह्वान को लेकर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की हुई है। हरियाणा के 13 जिलों में धारा 144 को लागू किया गया। सीमावर्ती जिलों और अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। शरारती तत्वों पर मॉनिटरिंग सेल नजर रखेगी पूरी तरह। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। तो किसानों के कूच को लेकर कहीं ना कहीं 13 फरवरी को किसान जिस तरीके से कूच कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा को पुख्ता किया है। हरियाणा के 13 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पानीपत से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जानकारी ये मिल पा रही है कि 13 जिलों में धारा 144 को लागू किया गया है, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है किसानों के कूच को लेकर हरियाणा में? देखिए, दोनों पक्ष, चाहे किसान संगठनों की बात करें या पुलिस की, दोनों अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। और किसान हुंकार भर रहे हैं कि 13 तारीख को हमने कूच करना है, दिल्ली जाना है, क्योंकि किसानों से जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। इधर पुलिस की बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट की कल शाम को इसी टाइम नौ जिलों में कल सरकार ने इंटरनेट सेवाएं आज सुबह 6 बजे से बंद कर दी थी, क्योंकि सुरक्षा के तौर पर ऐसा करना जरूरी है। ये भी था कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ शरारती तत्व स्थिति को खराब ना करें। तो आज जो नए आदेश आए हैं सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, 13 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 लगाने का मतलब यह है कि बिना परमिशन कोई लोग इकट्ठा होकर या जुलूस के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, या कोई हिंसक वारदात में शामिल नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लिहाजा कल 12 तारीख को एक अहम बैठक है। एक बार फिर 2 दिन पहले जो केंद्र सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ गए थे, भगवंत मान, चूंकि वो भी एक पार्टी है, पंजाब के किसान ज्यादा उत्तेजित है, तो परसों जो बैठक हुई थी चंडीगढ़, उसका नतीजा नहीं निकला था, लेकिन एक केंद्र सरकार ने एक कोशिश और की है। और कल 12 तारीख को चंडीगढ़ में फिर वही 3 मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, ये तीनों कल फिर जा रहे हैं, किसान संगठनों से बात करेंगे। सरकार की पूरी कोशिश है कोई रास्ता निकल जाए शांतिपूर्वक, कि ये तनाव जो एकदम पसर गया है, इस तनाव को कम किया जा सके, कोई रास्ता निकले जिससे दोनों पक्ष सहमत हो। तो कल एक और कोशिश सरकार कर रही है, कल 12 तारीख है, अगर कोई सूरत नहीं होती, कोई रास्ता नहीं निकलता, तो किसान अड्डी के। लेकिन सौरभ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, हरियाणा के किसान इस बार शांत है, चाहे वो दिल्ली से सटे दोनों जिले, पानीपत और सोनीपत के किसान ज्यादा वो नहीं है, वो मतलब इस बार आंदोलन को लेकर ज्यादा मतलब ना तो उत्तेजित है ना समर्थन कर रहे हैं। दरअसल सोनीपत में जब पिछली बार जब ठीक है पिछली बार जब ये आंदोलन 1.25 साल तक चला था, सोनीपत जिले को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा के 13 जिलों में धारा 144 लागू की गई, शरारती तत्वों पर मॉनिटरिंग सेल पूरी तरह से नजर रखेगी। धारा 144 13 जिलों में लगा दी गई, सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, किसानों के साथ बातचीत होगी और हल निकलेगा।